हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण सिंह छाबड़ा और फिट एंड फेमस के मंच पर आप कई हस्तियों से मिले हैं जो फिट भी हैं और फेमस भी। लेकिन असली फिटनेस तब हासिल होती है जब हम कंसिस्टेंट रहें अपनी फिटनेस में भी और लोगों के बीच लोकप्रियता में भी। आज हम उस मशहूर हीरोइन से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने 1990 से ही लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना डाली जो अब तक धड़क रही है। हाँ, हम उस शहर की लड़की की बात कर रहे हैं जो लिंकिंग रोड और वार्डन रोड क्या देश विदेश के अनगिनत फैंस को एकदम मस्त मस्त लगती है। So let's welcome Raveena Tandon, who has consistently won over her fans' hearts all these years and looks fit and fabulous today like ever before. Welcome to Fit and Famous, Raveena. Thank you so much. And congratulations, the trailer of Marked looks fantastic. So many great views, so many great reviews, the comments. और कहा यह जा रहा है कि अब तक रवीना जी को देख के याद आता है कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, और इस फिल्म के ट्रेलर को देख के लग रहा है कि ये चीज़ बड़ी है सख्त सख्त। आई थिंक जो रिस्पॉन्स मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है, और जो हम सोचते थे कि मैसेज अक्रॉस पहुँचे लोगों तक, एक बल्कि ओवरवेलमिंग रहा है, बिकॉज आई थिंक इट इज सुपरसीडेड व्हाट वी थॉट इट वुड बी। रवीना टंडन को क्या चीज़ मोटिवेट करती है फिटनेस के लिए? आई थिंक माई हस्बैंड, बिकॉज ही इज़ अ जिम फ्रीक। इनफैक्ट मैं पहले कभी गोल कर लिया करती थी जाना, लेकिन ही डजंट लेट मी ना। इसे चलो चलो, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो। और हम लोग का अभी स्केड्यूल ही ऐसे बन गया कि हम लोग सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, एंड सीधे बोथ ऑफ अस हिट द जिम। सो दैट वन आवर टू आवर्स वी आर देयर एट द जिम, वी ईट आवर ब्रेकफास्ट, वील सिट बाय द सी साइड, वील हैव आवर चाय, एंड देन ही गोज टू ऑफिस एंड आई गो टू व्हाटएवर वर्क प्लेस आई हैव टू गो टू। And I think it's a new trend, couple workout. आजकल मैंने बड़ा सुना है कि no, but he does differently. He does differently. Separate, yeah, he does his stretches and you know a little bit of lifting and this and that. He has a different workout. I do mostly cardio or swimming or something like that. तो कई बार वो जो ट्रेंड में होता है ना कि दो लोग ऐसे एक चीज को वो पकड़ा रहे हैं बॉल, मैं कहा ये अच्छा है, मतलब केमिस्ट्री भी बन जाएगी साथ में और फिटनेस भी आ जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल, उनकी एडवाइस, उनकी फिल्मों का जो माध्यम है, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इस फिल्म के ज़रिए आप बहुत अच्छे मैसेज को प्रमोट कर ही रहे हैं। आप फिटनेस की क्या टिप देना चाहेंगी उन औरतों को जो आपको एज एन आइडल मानती हैं? आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़रूरी है कि हमको अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप देखते ही हैं हम जो मोस्टली इंडियन औरतें हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, अगर काम भी कर रही हैं लेकिन तभी भी वापस जाके, मोस्टली जो मिडिल क्लास वर्किंग वीमेन हैं, चाहे वो ऑफिसेज में काम करती हैं लेकिन वापस जाके अपने बच्चों का होमवर्क भी करेंगी, खाना भी बनाएंगी, वॉशिंग मशीन भी चलाएंगी या कपड़े भी धोएंगी, एंड फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के बच्चों का डब्बा भी तैयार करेंगी, उनको तैयार करके स्कूल भी भेजेंगी, हस्बैंड का भी डब्बा तैयार करेंगी, फिर अपना टिफ़िन तैयार करेंगी, फिर ऑफिस का वर्क करेंगी, और फिर अपने ऑफिसेज के लिए ट्रेन पकड़ के निकलती है, एंड देन दे कम बैक अगेन, और वो पूरा स्केड्यूल वापस रिपीट होता है। तो आई थिंक इट नीड्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो अपने आप की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। सो यू मस्ट ईट राइट, एंड लाइक आई सेड, अगर आप बिलीव करती हैं थोड़े योगाज में, थोड़ा आसन में, तो चाहे वो ऑफिस में बैठ के भी नेक एक्सरसाइजेज हों या शोल्डर एक्सरसाइजेज हों, यू नीड टू कीप योर सेल्फ फिट। या घर में ही अगर 10-15 मिनट निकाल के अलग आप अपने यू नो एक्सरसाइज करें, आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच रवीना जी, और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, फिटनेस की बहुत सारी खास बातें हमें आज पता चली, और इस फिल्म के जरिए भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप दे रही हैं, और जिससे ये साबित होता है कि शायद औरतों को ही नहीं, जैसे कि आपने कहा कि मर्दों को भी इक्वली उतना पार्टिसिपेट करना चाहिए, उतना कॉन्शियस रहना चाहिए, और इस तरह के जुल्म को बहुत मुंह तोड़ और फिट जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों, आप भी फिट हो जाइए बिल्कुल रवीना की तरह, जिन्होंने साबित कर दिया कि कैसे इतने लंबे अरसे तक वी कैन स्टे फिट एंड फैबुलस अगर हम अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग और अपने लाइफस्टाइल पर काबू रखें। ये मैं नहीं, ये एडवाइस आपने अभी अभी सुनी फ्रॉम द फिट एंड फेमस रवीना टंडन।